मेरा नाम अतुल वर्मा है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज दैट इज आल्सो नोन एज इभास दैट इज इन दिल्ली. प्रेजेंटली आई एम रनिंग ए इंस्टीट्यूट दैट is called as Unique Institute of Behavioral Sciences, and we have our OPD also at the same place. So आज जो मैं आप लोगों से बात करूँगा वो बात करूँगा कि how to become a clinical psychologist, because मेरे पास बहुत सारी इस तरह की queries आती हैं कि clinical psychologist कैसे बने, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैंने PhD किया है तो क्या प्रैक्टिस की जा सकती है, या मैं MA हूँ तो क्या प्रैक्टिस एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जा सकती है. तो आज इन्हीं सारी क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करें. आज की डेट में अगर इंडिया में आपको एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करना है तो आपके पास जो RCI है, that is Rehabilitation Council of India, उसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है. उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट आज की डेट की अगर हम बात करें देन इट इज मस्ट टू हैव RCI रजिस्ट्रेशन. अब क्वेश्चन आता है कि कैसे RCI रजिस्ट्रेशन हमें मिलेगा. तो उसके तीन तरीके हैं. एक तो है आप MPhil करें इन क्लिनिकल साइकोलॉजी From RCI recognized institute. To know कि कौन से इंस्टीट्यूट RCI registered हैं, उसके लिए आपको RCI की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं. अगर हम देखें इस तरीके से तो एक तो हो गया आपका MPhil in Clinical Psychology, दूसरा है आपका PsyD, that is Doctorate in Psychology, that is also recognized by RCI. जबकि वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है MIT नोएडा और सुईकार सिकंदराबाद में दो जगह PsyD अवेलेबल है. तीसरा आता है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो ये तीन डिग्रीज ऐसी हैं जो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस दिलवाती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. एक पहला है MPhil in क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसको करने के बाद में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन RCI से मिलेगा. दूसरा आपका आता है PsyD, उसके बाद भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिलता है जो 4-year डिग्री है. एंड देन आपका आता है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसको करने के बाद में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन आप टीचिंग या एकेडमिक्स में नहीं जा सकते हैं, जबकि MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी और PsyD वाले लोग टीचिंग भी कर सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है इनमें. प्रोफेशनल डिप्लोमा भी जहाँ तक मेरा नॉलेज है MIT की कुछ यूनिवर्सिटीज में और आई थिंक सिकंदराबाद में भी अवेलेबल है, दैट आपको चेक करना पड़ेगा RCI की वेबसाइट के ऊपर. अब हम बात करते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं. एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन है तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, बिकॉज वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. आप किसी NGO में काम कर सकते हैं या एनीवेयर जहां भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है वहां काम कर सकते हैं. आज की डेट में ज्यादातर जगहों पर जहां भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है. अब हम बात करते हैं कि क्या बाकी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक MA साइकोलॉजिस्ट, PhD साइकोलॉजिस्ट, और देर इज एन अदर डिग्री दैट वी कॉल MPhil साइकोलॉजी. वो कई सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं लेकिन वो डिफरेंट है. तो PhD में, बिकॉज आप PhD साइकोलॉजी में कर रहे हैं, तो यू आर टेकिंग ओनली वन सब्जेक्ट देयर एंड रिसर्चिंग ऑन दैट.
सो एक ही एरिया के आसपास आप रिसर्च करते हैं एंड सो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, एकेडमिक नॉलेज, रिसर्च का नॉलेज आपको डेफिनेटली होता है उस बारे में। लेकिन एम्फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो RCI रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मेडिकल और हॉस्पिटल्स में होती है, जहाँ पे आप पेशेंट्स देखते हैं और आपकी लर्निंग होती है हाउ टू डील विथ क्लाइंट्स, हाउ टू टेक केस हिस्ट्रीज, हाउ टू ट्रीट देम एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें PhD में ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। एंड अदर थिंग इज तो एमफिल साइकोलॉजी इज अगेन ए प्री PhD प्रोग्राम जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, ना कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो उसके बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो जनरल एमफिल साइकोलॉजी जहाँ बहुत जगह पे होता है। देन हमारा आता है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइडी। इन सब में आप वो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है पेशेंट के साथ में, देयर विल बी केस प्रेजेंटेशंस, वो जो डिस्कशंस होंगे, एंड यू वर्क इन ए टीम एंड लर्न हाउ टू ट्रीट पर्सन विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, हैविंग फिजिकल इश्यूज। सो ऑल दोज थिंग्स यू लर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइडी। दीज आर द कोर्सेज, आफ्टर दैट यू कैन बिकम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द साइडी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि जब आप इन कोर्सेस के लिए जाते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है और कंपटीशन है काफ़ी अच्छा। सो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम अगर मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ मुझे जाना चाहिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा।